हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे जा रहे होंगे। अभी काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियोस अपलोड नहीं किया था। हमारा मिड सेम एग्ज़ाम चल रहा था, सेकेंड सेम का, जो कि एंड हो चुका है। अभी मैं आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करने की वीकली पूरी ट्राई करूँगा, ठीक है। एंड इस वीक में भी मैं आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। बिकॉज आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 23 में आइजर्स का, वो चेंज हो चुका है। एंड एक एक चेंजेस नहीं है यार, काफ़ी बड़े दो मेजर चेंजेस हैं, ठीक है। काफ़ी बड़े मेजर चेंजेस हैं, अभी आपको बताता हूँ। इसमें हम यही डिस्कस करेंगे और मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि आपका जो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आईएएस के ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके। एंड दूसरा जो है कि 13th में लास्ट डेट होएगा आईएएस 24 का, जो कि आपका होगा लास्ट डेट होगा रजिस्टर करने के लिए 24 के लिए। और आपको ऑब्वियसली पता होगा कि लाइक कैसे कैसे आपको अप्लाई करना, जो लाइक फॉर्म फिलअप करना होता, तो फॉर्म फिलअप का प्रोसीजर अलग प्रोसीजर है। मैं वो उसको किसी दूसरे वीडियो में पूरा डिटेलिंग में कवर करूँगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना होता है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी, प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फ़िलअप करना होता है, क्योंकि आइजर्स में आपको प्रेफरेंस ऑर्डर पहले भरना होता है एंड उसी के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है एग्ज़ाम के बाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्म फिलिंग, क्योंकि उसमें आपको प्रेफरेंस ऑर्डर चूज़ करना होता है। तो मैं आपको प्रेफरेंस ऑर्डर आपके अकॉर्डिंग सजेस्ट करूँगा कि आपको कैसा प्रेफरेंस ऑर्डर प्रीफर करना चाहिए, ओके। तो ये तो हो गई आपका फॉर्म फिलअप का, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप जो आपको करना है वो हो गई। अब दूसरी, अब जो मेज़र अपडेट आप लोगों के लिए है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 24 के लिए। तो यार अभी 23 में एंड उससे पहले क्या होता था कि आपका जो क्राइटेरिया था अपीयर होने के लिए एग्ज़ाम को, वो होता था कि आप या तो 12th में हों या तो एक साल ड्रॉप हो मैक्सिमम, या तो 12th क्लास में आप अभी अपीयर हुए हो इस साल, या तो 1 ईयर के ड्रॉपर हो। बट इन दिस केस, ठीक है, 24 में ये जो क्राइटेरिया था बढ़ा करके एक साल और कर दिया गया है। मतलब अब आप अपीयर हो, अपीयरिंग में हो, तो भी मतलब जो स्टूडेंट्स अभी 24 का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, मतलब 2024 का एग्ज़ाम दे रहे होंगे 12th का बोर्ड्स का, तो वो भी एलिजिबल हैं। एंड जिन्होंने अपना 12th 23 में पास आउट किया है वो भी एलिजिबल हैं। एंड जिसने अपना 12th एग्ज़ाम 2022 में पास आउट किया है, अब वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो गया IIT के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। लिटरली जो बच्चे सेकेंड ड्रॉपर थे उनके पास उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बिकॉज सिर्फ नाइजर एक कॉलेज था जो कि सेकेंड ड्रॉपर्स को भी एलिजिबल करता था। बस अब से आइजर्स जो है IIT भी है वो भी करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है आप लोगों के लिए यार, ठीक है। ये होना मतलब काफ़ी हेल्पफुल होगा जो कि सेकेंड ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो एंड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो 10th 12th की मार्कशीट, बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपकी नीड होगी तो वो, एंड वो सब बेसिक है, आप जानते हो, पता होगा आपको। एंड एप्टीट्यूड का जो आइजर का जो टेस्ट पैटर्न होता है वो भी आपको पता है। PCMB चारों आते हैं, 4 मार्क्स का पर ईच क्वेश्चन होता है, 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट मेजर अपडेट है आइजर एडमिशन चैनल्स 2024। इसमें आपको ये जान के थोड़ा सा लाइक शौक लगेगा, क्योंकि KBPY जो था वो 2023 में अबॉलिश कर दिया गया था, बट 2024 में आपका JEE एडवांस भी अबॉलिश कर दिया गया। मतलब अब अगर आपको 24 में, मतलब 2024 में एडमिशन लेना है आइजर्स में इस साल में, तो आपको JEE एडवांस के थ्रू नहीं, सिर्फ आइजर मतलब IIT के थ्रू ही आना पड़ेगा। आपको IIT एग्ज़ाम क्वालिफाई ही करना पड़ेगा और कोई भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था यार, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। एंड नंबर ऑफ़ टोटल जो सीट्स हैं आइजर्स में 24 के लिए हैं, 1933 ऑलमोस्ट सीट्स बन रहे हैं। एंड इस बार आपका जो टोटल सीट्स है वो IIT मतलब आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट के चैनल्स के थ्रू ही फिलअप करी जाएगी। आप JEE एडवांस के थ्रू नहीं आ सकते, एलिजिबल नहीं हो। तो प्लीज़ ये इसको मान लो और आइजर्स की IIT की अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। अब आप JEE एडवांस के थ्रू या उसके भरोसे नहीं रह सकते अगर आप आइजर्स में आना चाहते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।
आपको किसी भी टाइप्स की वीडियो चाहिए, आइजर आईडी नाइजर, ठीक है, भुवनेश्वर नाइजर भुवनेश्वर के रिलेटेड, आप बस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको कोई भी डाउट हो मैं उसको पूरी सॉल्व करने की ट्राई करूँगा, ठीक है।